हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कॉन्टेस्टेड जगह जो होता है बहुत कम, अगर जगह है स्पेस कम है तो कैसे आप वेल्डिंग बनेंगे और आप एक अच्छा से अच्छा वेल्डर आप कैसे बनेंगे ताकि आपका कोई भी जॉइंट, कोई भी पोजीशन, कितना भी क्रिटिकल पोजीशन क्यों ना हो जाए आपका जॉइंट रिपेयर नहीं आएगा। ठीक है, तो वीडियो को आपको काट के या स्किप करके नहीं देखना है, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं यहाँ पर T92 का वेल्डिंग है अभी चल रहा है। तो जगह आप देख सकते हैं कितना छोटा जगह है, कितना कम स्पेस है यहाँ पर। यहाँ पर आपका ये जो प्लेट है, सपोर्ट है, इसमें से मुश्किल से यहाँ पर 150 भी नहीं होगा, हाँ 150 mm दूरी में होगा। तो इस साइड से घुस करके मारना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो यहाँ पर आप गैप भी ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं कितना जगह छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए आपको सिर्फ वेल्डिंग मारने से नहीं होगा, वेल्डिंग तो सभी आदमी मार लेते हैं लेकिन थोड़ा सा आपका नॉलेज होना चाहिए। देखिए पिलर का भी यहाँ पर नीचे पोजीशन नहीं है, तो पिलर को देखिए कैसे इसने बैंड कर लिया है। ये भी मेरा दोस्त है, तो इनका नाम है अशरफ, तो ये अभी मार रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का जॉब यहाँ पर होता है आप देख सकते हैं। तो आपको भी थोड़ा बुद्धि लगाना है। ठीक है, यानी कि आप जॉइंट मारेंगे तो जहाँ पर पिलर को काटना है, हम लोग कभी कभी एक पिलर का 3 टुकड़ा करते हैं। ठीक है, एक फिलर को हम लोग काट के छोटा बनाता है, अगर इसको छोटा नहीं करेंगे तो इस साइड में टच हो जाएगा, फिलर का डिग्री या टॉर्च का डिग्री में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, फिर आपका फाइनल हो गया या फिर रूट हो गया, ये सब अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो मेरा दोस्त है, इन्होंने अभी फिलर को किस तरह से बैंड कर लिया ताकि थोड़ा सा ईजी हो जाए वहाँ पर मारने के लिए और फिलर का जो डिग्री रहे वो सही रहे। तो इस टाइप का यहाँ पर आप देख सकते हैं मार रहा है। ठीक है, अभी इसमें तो यहाँ पर फ्रेंड्स अभी देखिए यहाँ पर अभी फिलर फोड़ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर पर्चिंग भी लगा हुआ है। अभी देखिए अभी फिर से पिलर को बैंड किया गया ताकि अब ऊपर से जब मार रहा है तो इधर से पोजीशन थोड़ा सा बन जाए पिलर का। तो थोड़ा सा बुद्धि वेल्डर को लगाना पड़ेगा, दिमाग आप ही को लगाना पड़ेगा, जॉइंट आप ही को पास कराना है, आप ही को मारना है। बस आप ये जब अभी जॉइंट आपका कंप्लीट हो जाएगा तो क्वालिटी वाला का कोई नहीं मानेगा कि जॉइंट में क्यों रिपेयर आ गया। ठीक है, जॉइंट में अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ जाता है, पोरोसिटी आ जाता है या फिर आपको पिलर कट आता है, तो आप कितना भी बोलिए कि यहाँ जगह सर स्पेस कम था, जो भी था, वो लोग नहीं मानता है कि रिपेयर दे देगा। ठीक है, रिपेयर दे देगा तो फिर जॉइंट को काटना पड़ेगा, फिर से जॉइंट को हीटिंग बांधना पड़ेगा, फिटअप करना पड़ेगा, एसआर करना पड़ेगा, तो फिर से बहुत सारा प्रोसेस लंबा हो जाता है। फिर अगर ज़्यादा रिपेयर आ जाएगा फिर भी दिक्कत है, फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर देगा। तो थोड़ा सा आपको सब कुछ देख करके चलना है। ठीक है, इस टाइप का थोड़ा सा जॉब में थोड़ा सा दिमाग से मारना है। मेरा जो कहने का मतलब है, आपको ऐसे सिर्फ जॉइंट मारने से नहीं होगा, कौन सा पोजीशन में कैसे टॉर्च को लगाना है, हेलमेट को कैसे लगाना है। यहाँ पर आप अगर हेलमेट भी देखेंगे तो जो बड़ा हेलमेट होता है उस हेलमेट को हम लोग भी ऐसे ही बनाए हैं, छोटा काट के बनाए हैं। ठीक है, थोड़ा सा काट दिए हैं और जो यहाँ पर देख सकते हैं रबर टाइप का लगा दिए ताकि थोड़ा सा ईजी हो जाए। यहाँ पर बड़ा हेलमेट घुसता नहीं है, देखिए यहाँ जितना छोटा जगह है तो बड़ा हेलमेट नहीं घुसता है। तो हेलमेट को हम लोग काट करके अपने से बनाए हैं, नहीं तो यहाँ पर घुस नहीं पाएंगे और मार भी नहीं पाएंगे। ठीक है, एक तरफ से ऊपर से ये आपका हीटिंग है, 220 डिग्री हीट होता है तब जाकर के ये आपका जॉब चालू होता है। ठीक है, तो ये हीटिंग जॉब में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, काफ़ी बार मेरा भी हाथ भी जल जाता है, लेकिन जॉब तो आपको करना ही पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगा के मारना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स कुछ चीज़ को आपको नोटिस करना पड़ेगा, कुछ पॉइंट को आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए कभी भी अगर ज़्यादा आपका जगह जो है कम स्पेस है तो थोड़ा सा आप अगर वहाँ पर दिक्कत है तो फिलर का काट लीजिए, छोटा बना लीजिए। अगर वहाँ पर पोजीशन नहीं बन रहा है तो फिलर को कभी बैंड करके मारिए, अगर फिर भी पोजीशन नहीं बन रहा है तो थोड़ा सा दूसरा कोई ना कोई उपाय ज़रूर होगा मारने का। ठीक है, कभी कभी थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, एक साइड से देख करके उधर से मार देते हैं ताकि इधर से अंदर से देखते हैं फिर उधर से मारते हैं। तो बहुत तरह का सिस्टम है, सिर्फ वेल्डिंग मारना तो देखिए मारता तो सभी है, लेकिन इसमें से जो वेल्डर अच्छा मारेगा, जो अच्छा मारेगा उसी को कंपनी ज़्यादा दिन तक रखता है और उसका पेमेंट भी थोड़ा सा ज़्यादा ही देता है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप भी कोशिश करिए अच्छा से अच्छा वेल्डिंग करने के लिए, क्योंकि अभी आजकल के ज़माने में ज़्यादा कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो जो अच्छा वेल्डर होगा, जो अच्छा मारेगा उसी का कंपनी ज़्यादा दिन रखने के लिए पसंद करता है और उसको लास्ट तक भी रखता है। ठीक है, और ये जो फ्रेंड्स जॉब है, ये बॉयलर का जॉब है, एक पावर प्लांट में अभी जॉब चल रहा है, ये IBR का लाइन है और ये जॉब ज़्यादा IBR से ही मारना पड़ता है। यहाँ पर कोई LP वेल्डर नहीं मार सकता है और IBR सर्टिफिकेट रहेगा तब जा करके यहाँ पर बॉयलर में आपको पावर प्लांट में आप काम कर सकते हैं। LP वेल्डर के जॉब रहता है लेकिन ये सब कॉयल में एलो स्टील में नहीं मारने देगा आपको, जो LP लाइन का होता है, फायर फाइटिंग वाला हो गया या फिर वाटर वाल, वाटर जो जाता है पानी वाला, वाटर वाल नहीं है। तो
वाटर जो जाता है पानी जाने वाला इस टाइप का लाइन में आपको देगा मारने के लिए एलपी वेल्डर का, या फिर फिंच वगैरह हो गया वो सब में भी एलपी वेल्डर का काम होता है, ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज़ और कहना चाहेंगे, अगर आप चाहते हैं कि हम आई बी आर वेल्डर बने तो जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं एलपी वेल्डर का वही में आप बायां हाथ से मारना थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करिए। इससे पहले वीडियो में हम बताया कि बायां हाथ में आप कैसे वेल्डिंग मारना सीखेंगे, शुरू से बता दिए, आप चाहे तो विजिट करके देख सकते हैं, और उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे और एन स्क्रीन में भी लगा देंगे, ठीक है। तो आप वहाँ से इस वीडियो को देख करके आप सीख सकते हैं कि कैसे आपको बायां हाथ से या दाहिने हाथ से दोनों हाथ से वेल्डिंग आप मार सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का छोटा सा इन्फॉर्मेशन, वीडियो अगर दिल से पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, फिर मिलते हैं।